नमस्कार दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग मींस ब्लैक मनी टर्न इनटू व्हाइट मनी। दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग को जनरल टर्म्स में समझने के लिए हमें दोनों वर्ड्स का मतलब समझना होगा। लॉन्ड्री शब्द लॉन्जरी शब्द से मिलकर बना है। ये लॉन्जरी का मतलब होता है कपड़ों को धुलना, साफ करना, इस्त्री करना, ताकि उनको रीयूजेबल बनाया जा सके, उनको दोबारा पहनने के काबिल बनाया जा सके। सिमिलरली ब्लैक मनी को, अनअकाउंटेड मनी को जिस प्रोसेस के थ्रू व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि हम उसको जनरल पर्पस में, जिस पर्पस के लिए हम अपनी व्हाइट मनी को यूज करते हैं, कर सकें, उस पूरी इंटायर प्रोसेस को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। दोस्तों, अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस का आना लाजमी है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, क्या कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग को कर सकता है, क्या आज के समय मनी लॉन्ड्रिंग करना इलीगल है या लीगल है, और अगर इलीगल है तो कैसे गवर्नमेंट इन ट्रांजेक्शन को ट्रैक करती है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर तीन स्टेप्स होते हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। आपकी मनी जब इन तीनों प्रोसेस से होकर के निकल जाती है, तब वो ब्लैक मनी से व्हाइट मनी बन जाती है। तो आइए समझते हैं इन स्टेप्स को वन बाय वन। दोस्तों, मिस्टर डेविड, जिसके पास बहुत सारी ब्लैक मनी है जो कि उन्होंने ड्रग डीलिंग से इकट्ठा की है, वो इस मनी को प्लेसमेंट करने के लिए एक सेल कंपनी ओपन करते हैं। सेल कंपनी एक तरह की ऐसी कंपनी होती है जिसमें कोई भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं चल रही होती है, वो सिर्फ ऑन पेपर एग्जिस्ट करती है। ऐसी कंपनी ओपन करने के बाद एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वो उस कंपनी से 70 लाख रुपए का मुनाफा, लेट अस सपोज, दिखाते हैं। इस मुनाफे को वो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद। इट मींस जो 70 लाख का अमाउंट है, ये उनका ब्लैक मनी से व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो चुका है। अब इस मुनाफे को वो रखते नहीं, बल्कि एक अदर सेल कंपनी ओपन करते हैं। इस तरीके से 3 से 4 साल के अंदर वो बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस ओपन कर लेते हैं, यानी अपनी इनकम का सोर्स इकट्ठा कर लेते हैं। अब अगर कोई भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या इनकम टैक्स उनसे इस बात को पूछता है कि आपसे के पास पैसे कहां से आ रहे हैं, आप इतने बड़े बड़े घर कैसे खरीद रहे हैं, आप कार कहां से खरीद रहे हैं, तो वो ये बता सकते हैं कि मेरी कुछ कंपनियां हैं जहां पर मैं काम करता हूं और उनसे जो प्रॉफिट आता है उनसे मैं ये सारी चीजें खरीदता हूं। तो इस तरीके से उन्होंने अपना एक लेजिटिमेट सोर्स ऑफ इनकम तैयार कर लिया। दोस्तों, अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जब ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो गई पहले स्टेप में ही, तो क्यों फिर दूसरे और तीसरे स्टेप मनी लॉन्ड्रिंग में बताए गए हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए आपको एक कहानी आगे समझनी होगी। दोस्तों, एक दिन पुलिस को यह जानकारी मिलती है कि जो मिस्टर डेविड है वो ड्रग डीलिंग करते हैं, और वो उनको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ में पता चलता है कि उन्होंने ये सारी एक्टिविटीज कर रखी हैं ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में मूव करने के लिए। तो ऐसे में उनकी जितनी भी सारी कंपनियां थी वो सीज कर दी जाएंगी, उनकी प्राइवेट एस्टेट को अटैच कर लिया जाएगा, उनकी सारी चीजों को नीलाम कर दिया जाएगा और उनको जेल में डाल दिया जाएगा। दोस्तों, ऐसे में इस पूरी मनी को सीज होने से बचाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के दूसरे स्टेप को प्रयोग में लिया जाता है। अब मिस्टर डेविड जिस मुनाफे को इन्वेस्ट करके कंपनियां इंडिया के अंदर सेल कंपनियां ओपन कर रहे थे, अब वो इस मुनाफे को इंडिया के अंदर इन्वेस्ट ना करके वो किसी फॉरेन कंट्री में इस इन्वेस्टमेंट को करते हैं। ऐसी कंट्री जिस कंट्री का भारत सरकार के साथ अरेंजमेंट नहीं है कि वो अपने यहाँ पर आ रहे इन्वेस्टमेंट को या वहां पर लोगों के जो बैंक अकाउंट्स हैं और जो उनकी ट्रेवलिंग डिटेल्स है वो भारत सरकार के साथ शेयर करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप स्विट्जरलैंड देख सकते हैं। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जो अपने यहाँ पर आ रहे इन्वेस्टमेंट कर रहे लोगों की कोई भी जानकारी किसी भी सरकार के साथ शेयर नहीं करता। ऐसी कंट्री में वो इस मुनाफे को बैंक के थ्रू रेमिटेंस करके वहां पर इन्वेस्ट करता है। वहां पर अपनी अगर कोई रिलेटिव है तो उनकी कंपनी में एज ए लोन फॉर्म में, या वहां की किसी कंपनी के शेयर परचेज करके, बॉन्ड परचेज करके, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के वेज होते हैं, वो कैसे भी करके उस कंट्री में इस पैसे को मूव करता है एज एन इन्वेस्टमेंट। इसके बाद वो पैसा उस कंट्री में एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी, तीसरी कंपनी से चौथी कंपनी, ऐसे मल्टीपल लेयर बना देगा इन्वेस्टमेंट्स की, और उस चौथी कंपनी से वो पैसा फिर इंडिया में वापस मंगा लेगा। अपने बेटे की कंपनी हो सकती है, उसकी वाइफ की कंपनी हो सकती है, उनकी किसी रिलेटिव की कंपनी हो सकती है, उसमें उस पैसे को मंगा लेगा। ऐसे में भारत सरकार को सिर्फ ये जानकारी होगी कि इस पर्सन ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो स्विट्जरलैंड की किस कंपनी में किया है, बट उसको उन सारे ट्रांजैक्शंस की कोई भी जानकारी नहीं होगी, क्योंकि वो देश कोई भी जानकारी भारत सरकार के साथ शेयर नहीं कर रहा। दोस्तों, ऐसे में जो पैसा विदेश से आया, इस पैसे पे भारत सरकार कोई भी रिलेशन नहीं निकाल पाएगी मिस्टर डेविड के साथ कि ये डेविड का ही पैसा था जो बाहर कंट्रीज में मूव हो रहा था एक मल्टीपल इन्वेस्टमेंट के थ्रू एंड बाद में इंडिया में रूट हो गया। तो ऐसे में अगर मिस्टर डेविड अरेस्ट भी हो जाते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पैसे का मिस्टर डेविड के साथ कोई रिलेशन नहीं निकाल पाएगी, तो इस केस में वह इस प्रॉपर्टी को सीज भी नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, ये थी मनी लॉन्ड्रिंग की पूरी प्रोसेस। फर्स्ट प्लेसमेंट यानी
मल्टीपल सेल कंपनियां ओपन करना, सेकंड लेयरिंग यानी मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करना फॉरेन कंट्रीज में, इंटीग्रेशन यानी उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डायरेक्ट अपने इंडिया में वापस मंगा लेना। तो इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के तीनों स्टेप परफॉर्म किए जाते हैं। आई होप आपको इस कहानी के द्वारा इन तीनों स्टेप्स को ठीक से समझने में मदद मिली होगी।